मुस्लिम समाज क्यों कर रहा सीएम योगी की तारीफ? ऐसा क्या किया योगी ने कि मुस्लिम बोले थैंक यू योगी जी? योगी के काम के कायल हुए मुस्लिम। योगी सरकार के एक फैसले ने मुस्लिम समाज को मानो बाबा का दीवाना बना दिया। यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, खासतौर पर वो जो ये मानते हैं कि योगी सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हैं, मगर हकीकत यह है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ योगी यूपी की तकदीर सवारने में जुटे हैं। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर सीएम योगी ने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिससे मुस्लिम योगी की तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पा रहे। दरअसल योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया है, वो भी कब्रिस्तान के लिए। आपको बता दें कि यूपी की आबादी में 19% मुस्लिम हैं, जो राज्य की 35% सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। खैर आंकड़े तो पुराने हैं, लेकिन फैसला नया है जिसमें आम लोगों से लेकर खास लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए तो आज यूपी का विकास पसंद मुसलमान अब योगी की तारीफ करता हुआ दिखता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल वहीद है। अब्दुल साहब, क्या मानते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार जो है कब्रिस्तानों के उत्थान के लिए सोच रही है, उसको आप किस नज़र से देख? बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है, अगर इस तरह से हो तो ठीक है। एक तरफ जो है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, दूसरी तरफ कब्रिस्तानों का मामला, तो ये विरोधाभास नहीं देखने को मिलता? ये सब सियासत है, विरोधाभास होना ही है, सब खाली सियासत हो रही है। तो केंद्र सरकार के जो फैसले हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर, उसको किस नज़र से देख? इसलिए अगर ये व्यवस्था है तो अच्छी व्यवस्था है, कब्रिस्तान की व्यवस्था हो और लोगों की व्यवस्था हो। चलिए अब आपको बताते हैं इस बजट की खास बात क्या है। कब्रिस्तान के लिए 100 करोड़ के अलावा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी भारी बजट का प्रावधान किया गया है। मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए 497 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। हालांकि फर्जी मदरसों पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति के लिए 600 करोड़ और दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 195 करोड़ मिलेंगे। साथ ही योगी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। योगी सरकार ने 45 लाख आवास के साथ साथ शौचालय का प्रावधान भी किया है, जिसका मुस्लिम समाज की 35% आबादी को लाभ मिलेगा। तभी तो यूपी का मुस्लिम समाज योगी से खुश नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सियासी लोग इसमें भी सियासत के रंग घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुस्लिम समाज खुद ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सुनिए क्या कहता है मुस्लिम समाज। सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें नौजवानों के लिए नौकरी की और गरीबों के लिए जो है मोदी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जो ये प्रधानमंत्री जो 2.5 लाख रुपया दे रही है इनको घर बनाने के लिए। तो सरकार के फैसले से आप लोगों में खुशी है? जी हाँ, बहुत सराहनीय काम है और मैं इसी सरकार की तारीफ करती हूँ। यूपी के कब्रिस्तानों पर आवारा जानवर नहीं घूमेंगे बल्कि बाउंड्री वॉल बनेगी। ये योजना सपा की सरकार ने शुरू की थी जिससे अवैध कब्जे रोके जा सके, लेकिन उसकी देखरेख के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। मगर योगी की सरकार ने अपने एक फैसले से ये साफ कर दिया कि जो लोग उन्हें गलत समझने की कोशिश करते हैं, दरअसल उनकी सोच ही गलत होती है। क्योंकि योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम या फिर कोई भी जात और मजहब का, उनका एजेंडा तो सिर्फ विकास का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।